गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिस्टम 2 के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं P680 भी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A680 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर मीन्स लेक्चर 16 में हम लोगों ने देखा था फोटोसिस्टम 1 के बारे में डिटेल स्टडी किया था, तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिस्टम 2 के बारे में कि फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 का क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है और फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे करके लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिस्टम 2 से। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फोटोसिस्टम 2 होता क्या है। तो फोटोसिस्टम 2 जो है वो हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम का ही तो टाइप है ना, फोटोसिस्टम ही का तो टाइप है फोटोसिस्टम 2, ठीक है। और हम लोग फोटोसिस्टम का डेफिनेशन ये जानते हैं कि फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, जो कि प्रेजेंट होता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और जिसका मेन काम क्या चीज होता है, जिसका मेन काम होता है क्या चीज को कैरी कराना, कैरी आउट कराना, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कैरी आउट कराना, जिसका मेन काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन को करवाना, ठीक है। तो इस ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम, ठीक है। तो यही फोटोसिस्टम का हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है, एक को बोलेंगे टाइप 1 फोटोसिस्टम, एक को बोलेंगे टाइप 2 फोटोसिस्टम, ठीक है। टाइप 1 फोटोसिस्टम को फोटोसिस्टम 1 भी बोलते हैं, या इसको हम लोग PS1 मतलब फोटोसिस्टम 1 भी बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे P700, या इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए क्या चीज 700, ठीक है। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 16 में, टाइप 2 जो फोटोसिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज P680, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए 680, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिस्टम 2। तो फोटो, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 किसका टाइप है, फोटोसिस्टम का ही तो टाइप है ना, तो फोटोसिस्टम 2 का भी डेफिनेशन क्या होगा कि फोटोसिस्टम 2 भी हम लोग बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, या हम लोग बोल सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और जिसका मेन काम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कराना, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है इसको करवाना किसका काम होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 का, ठीक है। सिमिलरली फोटोसिस्टम 1 का भी यही काम था कि लाइट रिएक्शन को कराता है, क्योंकि फोटोसिस्टम का ही काम क्या चीज है, लाइट रिएक्शन को कराना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज को समझ में आता है कि फोटोसिस्टम होता क्या है, फोटोसिस्टम का टाइप्स क्या होता है, टाइप 1 का डेफिनेशन एंड टाइप 2 फोटोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है ये जो फोटोसिस्टम 2 है, इस फोटोसिस्टम 2 का क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हम लोग मैंने लिखा है कि ये टाइप 2 फोटोसिस्टम या फोटोसिस्टम 2 का क्या चीज हम लोग बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे करके याद करना है तो मैं बताऊंगा, सारा पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा कि कैसे करके करना है। तो देखिए, ये जो पहला पॉइंट मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये जो पहला पॉइंट मैं लिखा हूँ यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एपरिस्ट और स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो हमेशा याद रखना है कि जो फोटोसिस्टम 2 रहेगा, ठीक है, फोटोसिस्टम जो 2 रहेगा, जिसको हम लोग P680 भी बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे इसको क्लोरोफिल A680 भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के कौन सा पार्ट में हम लोग बोलेंगे एपरिस्ट पार्ट में, या एपरिस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, या क्या बोलेंगे स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज थैलाकॉइड, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो क्वेश्चन आता है इसका बताने का मतलब क्या हो, तो देखो बताने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये एपरिस्ट या स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड का मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, या मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रानुम प्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे राउंडेड सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रानम, ठीक है। ये जो राउंडेड सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है जो मैं बना रहा हूँ, देखो ये सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्रानम, ठीक है। और एक ग्रानम में हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होता है,
ये सब जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, थैलाकॉइड 1, थैलाकॉइड 2, थैलाकॉइड 3, थैलाकॉइड 4, थैलाकॉइड 5। उसी तरह ये क्या हो गया, थैलाकॉइड 1, थैलाकॉइड 2, थैलाकॉइड 3, थैलाकॉइड 4, थैलाकॉइड 5, थैलाकॉइड 6। ठीक है, तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। और हम लोग बोलेंगे एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से या एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, देख लीजिएगा आप लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो ग्रैनम होता है ये हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे भी कनेक्टेड रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ग्रैनम होता है ये थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, लाइट रिएक्शन के टाइम पे एटीपी बनता है, और क्या बनता है, रिड्यूस NADPH2 बनता है। ये दोनों को मिला के हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ठीक है, ये बनता है कब, लाइट रिएक्शन के टाइम पे, मतलब एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 ये एसिमिलेटरी पावर को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, ये लाइट रिएक्शन के टाइम पे होता है। तो ये सब जितना भी देख रहे हो, ये वाला देखो वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे कहाँ होगा, तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन जो होगा वो होगा हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं बताऊंगा, लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 जिसको एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन के टाइम पे ही बन रहा है, लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये बन किस तरफ रहा है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा के तरफ, या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट की तरफ बन रहा है। क्यों बन रहा है, इसीलिए बन रहा है क्योंकि स्ट्रोमा और द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, और डार्क रिएक्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फूड बनेगा, मतलब ग्लूकोज बनेगा। तो डार्क रिएक्शन या फूड बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए, तभी जाके हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा में होगा। और डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, तब देखिए क्या बनता है, स्ट्रोमा में फूड बनता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा था, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था जिसको लाइट रिएक्शन बोल रहे थे, जो कि थैलाकॉइड में होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा। और क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा था, किससे बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। और ये फूड हम लोग बोलेंगे कहाँ बनेगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। ठीक है, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर एपरेस्ट मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, एपरेस्ट मेम्ब्रेन का मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो ये इसी से मैं समझाता हूँ, ये जो थैलाकॉइड है, ये जो थैलाकॉइड है, देखो ये जो थैलाकॉइड है, ठीक है, ये T1 थैलाकॉइड है, T2 थैलाकॉइड है। तो ये वाला जो मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो आप लोग, ये जो मेम्ब्रेन है जो कि एक्सपोज्ड है, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, स्ट्रोमा की तरफ एक्सपोज्ड है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये जो मेम्ब्रेन को देखो ध्यान से, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला मेम्ब्रेन, ये भी क्या चीज, स्ट्रोमा की तरफ एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो ऐसा मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा की तरफ एक्सपोज्ड होगा, उस मेम्ब्रेन को, थैलाकॉइड का उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, या हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, थैलाकॉइड। क्योंकि ये मेम्ब्रेन देखो स्टैक्ड नहीं है, ये मेम्ब्रेन स्टैक्ड नहीं है, इसीलिए सवाल हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैक्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, या हम लोग बोलेंगे नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, जहां पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, जहां पर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो एपरेस्ट मेम्ब्रेन क्या हो गया, देखो ये वाला जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड का, ये वाला थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन देखो, और ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन देखो, देखो एक दूसरे के ऊपर क्या चीज है, स्टैक्ड है। ये थैलाकॉइड का T1 थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, और हम लोग बोलेंगे T2 थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन स्टैक्ड है, तो ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक्ड क्या चीज, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, या क्या बोलेंगे इसको, एपरेस्ट क्या चीज, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये वाला एपरेस्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थैलाकॉइड और ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन एक दूसरे पे स्टैक्ड है। ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये भी एपरेस्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपरेस्ट हो जाएगा, या स्टैक्ड थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एपरेस्ट या स्टैक्ड थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में याद रखिएगा क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होगा। ठीक है,
फोटोसिस्टम टू कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्टैक या एफेरेस्ट थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोटोसिस्टम टू इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एफेरेस्ट और स्टैक मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज थैलाकोइड, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन